और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों के। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस ने लूट की झूठी सूचना का पर्दाफाश करते हुए कलेक्शन एजेंट और उसके साथी को गिरफ्तार कर कब्जे से 35,800 रुपए बरामद किए। घटना गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। थाना किठौर मेरठ करने वाला है। यहाँ मोदी नगर में ये स्पंदन स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जो कि समूह को लोन प्रोवाइड करती है। इसमें कलेक्शन एजेंट का काम करता है। इसने कल ये सूचना दी कि इसके साथ दो अपाचे बाइक सवार चार व्यक्तियों ने इसका बैग छीन करके फरार हो गए, जिसमें कि 70,000 रुपये थे। ये लूट की सूचना पे थाना निवाड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें गहनता से जाँच की गई। जब आसपास के CCTV फुटेज देखे गए, वादी से गहनता से पूछताछ की गई, इसकी कॉल डिटेल देखी गई, तो यह प्रकाश में आया कि जो वादी ओसामा है, इसने अपने एक साथी प्रीतम, जो कि एक अन्य माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के तौर पर कार्यरत है, उसके साथ मिलकर के एक साजिश रची थी, जिसमें इन्होंने कंपनी के पैसे हड़पने का प्रयास किया था। ये इनको ये जानकारी थी कि ऐसी कोई घटना जब होती है, इस पर मुकदमा दर्ज होता है, तो ये पैसे इंश्योर्ड होते हैं और पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो इसी नियत से इन्होंने घटना की साजिश रची। इन दोनों ने वहाँ पे आपस में वार्ता की। जब इसने जो वादी, इसने चार गांव से अपना कलेक्शन कर लिया। उसके बाद इसके साथी प्रीतम, जो कि खिजरपुर अलीगढ़ का रहने वाला है, वो आया, वो बैग लेकर के पैसे लेकर के चला गया तो और उसने लूट की सूचना दी दूसरे व्यक्ति ओसामा ने। इनसे जो लूटा गया, कथित रूप से लूटा गया जो पैसा, उसमें से 35,880 रुपये बरामद किए गए हैं। शेष पैसे ये खर्च कराना बता रहे हैं। अभी इसमें घनता से यह निजाज की जा रही है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।